सो हे गाइस, वेलकम बैक दिस माय न्यू वीडियो। गाइस आई होप आप अच्छे होंगे। और गाइस फाइनली अभी मैं उठ गया हूँ। और गाइस अभी दीदी ने चाय भी बना दी है। बिना मैं चाय पीने के बाद ना नहाने लगा हूँ। गाइस गर्मी बढ़ लग रही है, ठीक है ना। बस ही हो रही है गाइस, अभी चाय तो पी लिया। और गाइस मम्मी भी आ गई। और गाइस मम्मी का ना चश्मा टूट गया हुआ है। और गाइस मम्मी कह रही है अभी ठीक करवाएंगे। मम्मी दिखाई नहीं दे रहा चश्मे ना। आंटी में के दूर हो का खन लग रुकदा में के। अच्छा ता शीशा गया में या पान की छतर ला पे आ टूट गया। शीशा टूट गया। चश्मा कितना बन गौना है ना बना तीन तरफ। और पानी पूनी भर लेते हैं क्योंकि गाइस गर्मी बड़ी है। मेरे को तो नहाना पड़ेगा अभी तो, ठीक है ना। पानी भर रहा आपको मैं बात बता दूं। गैस आज अंकल नहीं आए थे वो बाथरूम बनाने वाले, नहीं तो आ जाते गैस, नहीं तो बाथरूम लग जाना था और आए नहीं। मेरे को लग रहा है कल ही आएंगे अंकल। अच्छा आपको ना मैं सीधा नहा के मिलता हूँ, ठीक है। तो गैस फाइनली अभी मैंने नहा लिया है। अभी देख सकते हो गैस अभी काफी अच्छा महसूस हो रहा है। गैस अभी बासी बूसी जो आ रही थी वो भी चली गई है। गैस मम्मी तो शोर चला रहे गैस। और गैस कांगा पता नहीं किधर, अभी कांगा मिल गया, चलो हो गया। अभी मम्मी तो लगी आम की चटनी बनाने के लिए। और मम्मी कह रही है आम तो पकी गया। मम्मी तो आम पका हुआ ना, खा के देखता हूँ गैस कैसा हो रहा है। गैस खाने में तो मीठा हो रहा है। तो पेंट पुंट कर रहे थे पीछे, तो अभी फाइनली अभी घर पे भी चले गए हैं। तो अभी हमने गेट को कुंडी गांडी लगा दी है। डैडी हूँ डेडे तेरे पैर सूजे हूँ, ठीक है। क्या फर्क है, मतलब पहले तो ठीक है गाइस। पापा बता रहे हैं अभी पहले से काफ़ी ठीक है मेरे पैर, मतलब पहले तो गाइस काफ़ी सूजे थे गाइस पापा के पैर, और दवाई खाने के बाद ठीक हो गया। हूँ तेरे कोई दर्द दुर्द होगा कभी है, दवाई खाधी ही ना सवेरे गाइस। दवाई खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो भाई फ़र्क नहीं होता। दवाई तो खाना ही पड़ती है, ठीक है ना पापा को। और गाइस मैं पापा को समझाता रहता हूँ ना, सब्जी में जब पापा तड़का लगाते हैं ना तेल बड़ा डालते हैं, तेल ना कम डालना, ठीक है ना है? मम्मी तो अभी लगे चटनी कूटने की। रीना भी अभी मम्मी ने अच्छे से धो दिए पानी में, वो मिर्चे भी तो ना पाई यार, जरा तू पाती है ना अनारदाना दिया वो मैंने स्वाद नहीं लगता, ठीक है। और गाइस पापा तो अभी लगे फराटा लगाने के लिए। तो गाइस अभी दीदी घर पे जा रहे हैं सोफा लेके बैठने के लिए। तो गाइस पापा तो लगे हैं अभी पानी भरने के लिए। गाइस कबूतर आया चोगा खाने के लिए। थोड़ा सा चोगा फिर कबूतरा नु। अच्छा गाइस कल मैंने थोड़ा ज्यादा चोगा डाल दिया था, और कबूतर ना चोगल मतलब कि ऐसे छोड़ के चले गए थे। इस बार मैं थोड़ा ही चोगा डालूंगा। गाइस फिलहाल तो मैंने इतना सा चोगा ले लिया, चोगा डाल दिया मैंने, तो कबूतर ये बैठा आ गया। लो जी आ गया। अच्छा इको मिर्च पाई ना, दिखी नहीं मम्मी दो पाला है। और ले वहां नमक ले आया, नमक तो तू बोला ही मर चले यहाँ। तो अभी बाहर ही हेटते हैं, अभी मैंने सरना ले लिया। तो गाइस आज ना मेरे पास बिल्कुल टॉपिक नहीं है, आज मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ समझ लेगी। जो मेरे को दिखाई दे रहा है ना मैं ब्लॉग बना ही जा रहा हूँ, ठीक है ना। आज आज मम्मी चटनी बना रही है, आज चटनी का ही ब्लॉग बना लूंगा, ठीक है ना। गाइस फाइनली अभी पापा ने भी नहा लिया, गर्मी बढ़ी है गाइस। तो गाइस अभी पापा को मम्मी देने लगी चटनी चखने के लिए। कहे दरिया गाइस, और मम्मी लगी अभी अनारदाना डालने के लिए। तो मम्मी ज्यादा ना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं खानी हूँ चटनी और पाइडे। तो गाइस फाइनली अभी मम्मी ने ना चटनी बना दी कुछ ऐसी है देखने में। हूँ लिखी अंदर, ओ भाई एकदम मीठी और तीखी हो रही है, एकदम टेस्टी हो रही है गाइस। स्वाद बनाई है, फुलके के साथ अच्छी लगेगी गाइस। जिन्हें खाई गाई चटनी बनाई दीदी ने, फुलका लिया आधी कटोरी ना गाई खाली कर दी दीदी ने। इस दीदी कह रही कि अभी नहीं खाऊंगी मैं चटनी, कहती फुलका ही नहीं है मैं कैसे खाऊंगी। अभी आया सिलेंडर वाले भाई, और गाइस पापा ने अभी सिलेंडर निकाल लिया। तो गाइस अभी सिलेंडर उठा के देखते हैं कितना भारी है। वैसे तो हल्का ही है, ओ भाई हल्का ही है, मैं तो ऐसे ही उठा ले रहा हूँ। गाइस एक साइड पापा उठा लेंगे एक साइड में, चलो ऐसे करके ले जाएंगे गाइस। ऐसे हल्का भी लग रहा है नी। गड्डी कितने खड़ोते सिलेंडर वाली बाहर होनी है। अच्छा तो गाइस पिछली बार सिलेंडर वाले भाई आए थे, उसने तो काफ़ी टाइम लगाया था, पापा की फोटो भी खींची थी। इस बार देखते भाई कितना टाइम लगाएंगे। चला चकलेगा होना है। ज्यादा टाइम नहीं लगा इस बार, थोड़ी लगा है।
वही भाई थे जो पहले ही जितने पापा की फोटो फाटो खींची थी। इधर ले लेना ना, चलो गाइस ऐसे ले जाएंगे, भारी बड़ा हो रहा गाइस। ऊपर गड्डी तो सुटे फटदा नहीं है इतना। अच्छा गाइस इतनी जोर से सिलेंडर डिगा, मैं तो डर ही गया, मैंने सोचा कि इधर ही फट जाए भैंस की टांग, ब्लॉग ब्लॉग यहीं रह जाएगा सारा। अरे भाई बड़ी जान लग रही है गाइस। गाइस आप जाके घर तक पहुँचे हम, उतार दे भाई, निशान चक्कर ना गाइस, मेरे हाथ की हाथ ही चिबा गया उंगली। कर लेगा अंदर तक ना। चलो गाइस अभी पापा स्टोर रूम में रख देंगे। मेरा मुंडा गाइस आया, दर्द कर रहा है, पूरे निशान फड़ गए। इदा नहीं बने होंगे ना गाइस, मम्मी की ना नहीं कोई टूटी हुई है, मैंने बताया था। जल इजली जाए जल्दी भी टूट। डैडी हूँ किन्ने का सिलेंडर? 900 रुपये का। हूँ कहता और महंगा होना है, है? मम्मी 900 रुपये का सिलेंडर है ना, तो कहता अगली बार ना 1300 रुपये का भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पौंदा, जिहड़े 15,000 रुपये तनखा लेंदे, साडी जिथे 8-9,000 रुपये तनखा है। बीमारियां सड़दियां नहीं, बीमारियां रुगां रुगां डॉक्टर ले लैंदे ने पैसे, ओह नहीं दिखदे गरीब नहीं जां अमीर ना, ओह नहीं दिखदे डॉक्टर। चलो गाइस मम्मी तो आज पूरे गुस्सा हो गई गाइस सिलेंडर का दाम सुन के, और दुखी नहीं होना इतना सिलेंडर महंगा हो। मैं पानी पीना। अच्छा डैडी पानी पीना। तो गाइस मेरे को तो लग रही प्यास, मैंने पूछ ली मम्मी से और पापा से। गाइस आज ना जीजा जी भी आएंगे ना, तो गाइस अभी पक्का पता नहीं कब तक जीजा पहुंच जाएंगे, बस इतना पता कि आएंगे जरूर। फटाफट मम्मी पानी मम्मी बता रही है, अभी ठंडा बड़ा पानी और दीदी गए मिक्स करने के लिए। अभी जीजा जी आ रहे हैं भाई, आ गया आ गया। आ गया जीजा जी, तो ही बोले करते हैं कि उतने सरने लगे मुझे बड़ी जल्दी आ गए, है नहीं? अच्छा लग गई है। अच्छा बस वधिया, तुसी सुनाओ। ए देखो बाथरूम तैयार हो गया है, कल लग जानी सीट, कल जा परसों ना। और जीजा ने भी दसना की हाल चाल है, हैं रोंदे ही आन तो पहले बाथरूम बन जाता कि ना बढ़िया रहना ही ना बने है नहीं, है जीजा इन्ना भी बड़ा तैयार होए करता है नहीं, है आहो लाती टैलां टूलां लाती हैं आई नहीं अज ही ना इन्नी दे पर सच कि गर्मी पे करती है। उतारना फिर चाह। चलो गाइस अभी चाय उतार लेते, काफी टाइम हो गया ठीक है ना, तो अभी ज्यादा ना कट जाए फिर बच्चे की भी नहीं, तो अभी गैस बंद कर लेता हूँ, दीदी से पूछ लेते हैं। जी चाह पाला तेन पीनी तू, तू बाद पीनी चाह ठीक है। चलो चाह जीजा रस भी पे है। अच्छा बाजी ठीक है, अभी डब्बे की करेंगे अनबॉक्सिंग है नी। गाइस अनवीत भी खाता है नी जीजा, उन्हें बार बार आना ही, एक चुकी फिर दूजा, ऐ नी दूजा ऐ नी दूजा। गाइस अनवीत की बड़ी याद आ रही है, ओए होए होए गाइस अनवीत खा ला, अनवीत के लिए बस ब्लॉग रसगुल्ला खा ला, उन्हें ब्लॉग ही देखना है अनवीत, फ्रिज ला दे। तो गाइस अभी रसगुल्ला खाए ना चाय के साथ ना, टेस्ट भी नहीं आता चाय का मीठा, है नहीं जी, चाय ऐसी लगेगी कि फीकी फीकी सी, अब इतना मीठा खा ली तो चाय का मीठा मतलब लगता ही नहीं है। खाने में बड़े शोर है गाइस, पी के किधरिया पहले चखो तो सही किधरिया सवारा ए वाला गला ही थोड़ा मैनू बड़ा गला देता ही। अच्छा भाई फाइनली मम्मी आ गई, मम्मी कि चश्मा लिया? ओ भाई नया चश्मा वाकई, ये देख जीजा डब्बे डब्बा खाली है 300 रुपये का है। चलो रही तो बढ़िया है नी, ये ले मम्मी ला के दसी किधर लगा दे गाय सब, मम्मी देखते कैसे लग रहे हैं, मम्मी इसे सोना लगे करते हैं ठीक है, हुक बड़ी वधिया लगे करते हैं, नाक तक सूज गया था दूसरा चश्मा डाल के, इतना टाइट था ना इधर ना पूरी कस बजी रहती थी, मम्मी सुते सुते तक चश्मा पाए जाती है, ये ना पाए मम्मी ठीक है चश्मा ये ना खराब कर ली
ठीक लगा गाइस, जीजा जी का ना नेट ही नहीं डल रहा कंपनी पता नहीं कौन सी है गाइस, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। हैं जीजा, जीजा कह रहा हमारे गांव में यही कंपनी चलती है, एयरटेल नहीं चलती है। इधर रिचार्ज कितने दा होंदा मेनू दा? 600 रुपए दा गाइस, 600 रुपए। आहो मम्मी ठीक है, दस किधर है इन्हू, बार बार हाथ नहीं लाने, गंदा ही ना कपड़ा है। तो गाइस अभी ना पापा को भी चाय दे देते हैं। डैडी लचा। तो गाइस अभी ना जीजा जी रिपोर्टें चेक कर रहे हैं पापा की, और गाइस पहले से लगा लो कि थोड़ा से ना फर्क पड़ा है, मतलब कि पहले से जो पहले ना काफी ज्यादा खराब थी। चलो फर्क ही ठीक है। डैडी खट्टा बंद करने, ये देखो। ओ भाई अभी बच गई चाय, अभी बैठ जाता बस यार। की फिर बदल देती होने के पहली वाली नहीं बदल दी इधर बदल लिया। हां डैडी नु की परहेज रखने पेना है। हैं फटियां तलियां चीजें बंद, मिर्च वाली तेज मिर्च बंद। आओ तेज मिर्च तो मतलब की खाई जांदे है, मिर्चा ठीक रहंदी है, हरी मिर्चा फुलके। और गाइस मम्मी कह रहे मेरे को चश्मे में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पहले तो बोलेगा ठीक लगे चल दिख ला तेरी मर्जी, कल करा ले चेंज। अंकल ने बोला था कि फिट नहीं होगी ना, चेंज करा लेना ठीक है। रोटी है तो गाइस फाइनली मम्मी ने अभी खाना भी लाया, चटनी बनाई हो लिया। हाँ अच्छा अभी ना चटनी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और एक ना प्याज भी तोड़ लेते थोड़ा सा। गाइस चटनी और प्याज को अच्छे से मिक्स करके अब खाते हैं। मम्मी स्वाद बनाई है, वही बड़ी टेस्टी बनाई मम्मी ने चटनी, मजा आ गया। अभी नहीं बंद करते उत्ते आ रहे उन्होंने बड़ा फर्क पे कर दिया साड़ी लैड एक जगह दी आवाज दस दो। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं शहर, और गाइस मैं सोच रहा हूं इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और मिलते हैं इस ब्लॉग के अंदर बहुत जल्द। तो गाइस अभी हम शहर ही करेंगे, और गाइस बाय बाय।